नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान लाखों प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने और कई बेरोजगार लोगों को काम दिलवाने के कारण बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद पिछले कई महीनों से चर्चाओं में बने हुए हैं। इतनी दरिया दिली दिखाकर सोनू ने अपने फैंस के दिल में वो जगह बना ली है जिसकी अन्य स्टार केवल कल्पना ही कर सकता है। यही वजह है कि अब सोनू को लोग पूजने भी लगे हैं। जी हाँ, हाल ही में तेलंगाना में लोगों ने सोनू सूद का एक मंदिर बनवा दिया है। ये मंदिर तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के डुब्बा टांडा गांव में गांव वालों ने ही बनवाया है ताकि लोग सोनू द्वारा दिखाई गई दरिया दिल्ली के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। मंदिर में सोनू की मूर्ति भी लगवाई गई है जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस गाँव के एक रहवासी ने बताया कि सोनू ने महामारी के दौरान कई लोगों की मदद की, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने उनका मंदिर बनाया। वहीं इस मंदिर के बारे में सुनकर सोनू सूद खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए लिखा, ये बेहद खुशी का पल है लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं बस एक आम आदमी हूँ जो अपने भाई बहनों की मदद कर रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि लोगों की मदद करने में लगे सोनू ने मुंबई की अपनी कई प्रॉपर्टीज़ मॉर्गेज करवाई है ताकि वो 10 करोड़ रुपये जुटा सके और उससे अप्रवासी मजदूरों, गंभीर रोगों से जूझ रहे लोगों की मदद कर सके। तो दोस्तों, आपकी इस विषय पे क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश और दुनिया की तमाम रोचक खबरें हम आपके लिए लाते रहें।